दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पूछे गए आइटम्स एंड फ्रेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के इस टेस्ट में। ठीक है, ये हमारा रिविजन क्लास है। देखिये मैंने क्या किया है दोस्तों, लगभग 4-5 क्वेश्चन पेपर से जो है ना सभी आइटम्स एंड फ्रेज के पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना, आपको पता है 2023 में लगभग जो है ना 10 दिन एग्जाम चला था, तो कुछ और जो क्वेश्चन से रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। चलिए स्टार्टिंग से हम करते हैं। देखिए आइटम्स एंड फ्रेज के दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, ज्यादा मतलब टफ नहीं आएगा, अगर आप पढ़ के जाते हो तो कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स और फ्रेज। इसका क्या मतलब मीनिंग है जो अल्टरनेटिव है इसमें ऑप्शन में, देखते हैं। विल्ड कास्टल्स इन द एयर, इसका हिंदी मीनिंग पता है क्या होता है दोस्तों, हवाई किला बनाना, मतलब हवाई किला बनाना बोलते हैं ना, तो कि हवाई किला बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी वेतु की बातें करना काल्पनिक जो कि मतलब पूरा ना हो, डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना, अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाना, इस टाइप से कुछ इसका मीनिंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ, ये दोस्तों अक्सर आपने प्रीपोजिशन में पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है के बावजूद, तो इनमें से कौन सा इसका अर्थ दे रहा है। देखिए अलोंग विथ नहीं देगा इसका अर्थ, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ऑल ऑफ सडन ये भी अर्थ नहीं देता, इवन दो यहां तक कि इसका अर्थ आता है, तो इन स्पाइट ऑफ के बावजूद से मैच कर रहा है, अर्थ दोनों का सेम ही होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉप विथ, याद कीजिए कल या परसों मैंने जो इंग्लिश के क्वेश्चन करवाए थे उसमें यह आया था हमारा, कॉप विथ का मतलब होता है दोस्तों टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। ठीक ना, कॉप विथ का मतलब होता है टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेड ऑफ रोजेस, इसका आंसर होगा ए प्लेस ऑफ और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आराम की स्थिति, ठीक ना, या कह सकते हो आराम का स्थान, इसका मीनिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, तो इनमें से कौन सा सही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर सभी स्टूडेंट जानते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट गलत आंसर कर देंगे। देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार होता है, तो ये एज पर भी सही होता है, एज पर भी इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव, और एज स्टेटेड बाई, ठीक ना, ये भी होता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन। आगे बढ़ते हैं, ए 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी, ऐसे सुना होगा आपने, ठीक ना, तो इसका मतलब वही होता है ए 9 days वंडर्स, इसका मतलब होगा ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, मतलब कुछ समय तक किसी चीज़ का जो स्टार्टम होता है ना, सेंसेशन मतलब सनसनीखेज खबर, ये आपने सुने होंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, भाई मतलब 4 दिन की चांदनी। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब है एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक ना, एन इम्पॉर्टेंट डे, ए रेड लेटर डे का मतलब होता है क्योंकि डे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेकअप, इसका मतलब होता है दोस्तों टू डिस्पर्स और डिसॉल्व, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लोज सेव, दोस्तों ये 10 जून 2023 को पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों नैरो एस्केप, इसका मतलब होता है बाल बल बचना, ठीक है ना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल आउट, इसका मतलब होता है दोस्तों टू शॉर्ट, मतलब जोर जोर से चिल्लाना, कॉल आउट का मतलब है जोर जोर से चिल्लाना। आगे बढ़ते हैं, गिव इन, इसका मतलब है दोस्तों टू एक्सेप्ट द डिफीट, ठीक ना, हार मान लेना, गिव इन का मतलब है टू एक्सेप्ट द डिफीट। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब होता है दोस्तों यूजलेस सर्च, यूजलेस सर्च का मतलब है कि बेकार की सर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग अप, इसका मतलब होता है दोस्तों टू नर्चर विथ केयर, मतलब केयर के साथ पालन पोषण करना, ठीक है ना, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, प्लीज कर लेना दोस्तों, टू नर्चर विथ केयर। आगे बढ़ते हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है दोस्तों बैक एंड फोर्थ, इधर उधर आगे पीछे, और इसका एक और अल्टरनेटिव होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, टू एंड फ्रो का मतलब होता है बैक एंड फोर्थ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे इधर उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल पनिशमेंट, ये आपने सुने होंगे दोस्तों, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड, ठीक है ना, डेथ पेनाल्टी। आगे बढ़ते हैं, कॉल अपॉन,
इसका मतलब होता है दोस्तों टू अपील, आग्रह करना, जैसे आई कॉल अपॉन द चेयरमैन टू एक्सप्रेस देयर थॉट, जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कुछ गेस्ट आए हैं, तो आपके प्रिंसिपल उन्हें जो है कॉल अपॉन करते हैं, टू अपील करते हैं कि आइए आप भाषण दीजिए, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है दोस्तों ए हिडन इनेमी, ठीक ना, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ए हिडन इनेमी। आगे बढ़ते हैं, कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है संयोग बस अचानक मिलना किसी से, तो इसका सही आंसर होगा मीट बाई चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 11th आवर, मतलब अंतिम क्षण में, अंतिम समय में, इसका मतलब ये होता है, इसका सही आंसर होगा एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है दोस्तों ए पेंसिफुल अनलाइकली स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानियां, झूठी कहानियां। एंड ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, देखो गाइस, टू ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना, मुहावरा आपने सुने होंगे, इसका मतलब क्या होता है, उकसाना, भड़काना, कुछ ज़्यादा ही, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, तो इनमें से क्या हो सकता है, आप लोग देख सकते हो, इसका मीनिंग आप ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, और ना ही ऑप्शन ए होगा, अब इन दोनों में से ही आपको बताना है। और देखिए, अगर आप दोस्तों इंग्लिश के और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये सारा पूछा गया है।